सो अब हम पढ़ेंगे कोर करिकुलम दैट इज सतपाठचर्या. इट सेंटर्स ऑन जनरल एजुकेशन एंड द प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन कॉमन ह्यूमन एक्टिविटीज. द सेंट्रल फोकस ऑफ द कोर डिज़ाइन इंक्लूड्स कॉमन नीड्स प्रॉब्लम्स कंसर्न्स ऑफ द लर्नर. यह सामान्य शिक्षा पर केंद्रित है. ओके और समस्या सामान्य मानवीय गतिविधियों पर आधारित है. जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे ये आधारित है. सत अभिकल्प के केंद्रीय फोकस में शिक्षार्थियों की सामान्य ज़रूरतें समस्याएं, चिंताएं शामिल है. मतलब नीड्स प्रॉब्लम एंड कंसर्न जो हैं इन पे बेसिकली ये फोकस्ड होता है इस टाइप का डिज़ाइन. तो इसके लिए स्मिथ और उनके कलीग ने 1957 में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं. आइए हम देखते हैं. सबसे पहली है सत पाठ्यचर्या की प्रथम विशिष्ट विशेषता यह होती है कि इस पाठ्यचर्या में सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाता है. व्यक्ति अपनी गतिविधियां मूल्यों अथवा नियमों द्वारा तय करते हैं. द फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू और कोर करिकुलम डिज़ाइन इज दैट सोशल वैल्यूज आर एम्फसाइज इन दिस करिकुलम. इंडिविजुअल्स डिसाइड देयर एक्टिविटीज बाय वैल्यूज एंड रूल्स. रूल्स एंड वैल्यूज के बेसिस पे जो लर्नर है वो एक्टिविटी को डिसाइड करता है और ये बेसिकली फोकस्ड होते हैं सोशल वैल्यूज पे. ओके थ्रू दीज रूल्स इंडिविजुअल्स डिसाइड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड व्हाट इज डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज अनडिज़ायर्ड. इन नियमों के द्वारा व्यक्ति यह तय करता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है वांछित क्या है अवांछित क्या है. ठीक है पाठ्यचर्या का कोर अधिकांशतः सामाजिक नैतिक नियमों का बना होता है और यह नियम संस्कृति के शब्द से बने होते हैं. पाठ्यचर्या के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि को पर्याप्त नहीं माना जाता है अपितु इसमें संपूर्ण समुदाय क्षेत्र देश संसार के सभी व्यक्तियों की सामाजिक समस्याएं भी आती हैं जैसे अपराध गरीबी युद्ध. द कोर ऑफ द करिकुलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ सोशल मॉरल रूल्स एंड दीज रूल्स आर मेड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ कल्चर. अंडर द करिकुलम द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोशल नीड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोशल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट कंसिडर्ड सफिशियंट बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द होल कम्युनिटी रिलीजन कंट्री ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लाइक क्राइम पॉवर्टी वॉर इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी की यहाँ पर बात की गई है. सो ओवरऑल इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि देखिए सबसे पहले जो ये कोर करिकुलम है ये सामाजिक मूल्यों पर जो है फोकस कर रहा है. तो जो भी व्यक्ति एक्टिविटीज़ करता है या जो भी व्यक्ति गतिविधि कर रहा है वो किस बेसिस पे करेगा उसके जो भी मूल्य हैं या वो जिन नियमों को मानता है इस पे डिपेंड करेगी कि वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है. सेकेंडली ये जो भी उसके नियम हैं वो उन नियमों के थ्रू ये चीज़ देखेगा कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है ये डिज़ायरेबल है ये डिज़ायरेबल नहीं है. ये सब किस बेसिस पे वो देख रहा है उसके जो भी सोशल वैल्यूज़ है वो जिन सोशल वैल्यूज़ में रहता है जिनको मानता है उन्हीं के बेसिस पे वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी बुरी है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल है. ओके देन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो ये जो करिकुलम है वो पूरी तरीके से मतलब ये जो अभिकल्प है या जो डिज़ाइन है ये पूरी तरीके से फोकस्ड है सोशल जो भी नीड्स हैं सामाजिक आवश्यकताएं हैं उन पे.
तो इसका मानना ये है कि जो भी सोशल नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है या वो पर्याप्त नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब भी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसके समुदाय की, उसके क्षेत्र की, पूरे देश की और संसार की, मतलब हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है। तो जब हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हर एक चीज़ को लेके कैसे सेटिस्फाइड हम हो पाएंगे, ठीक है। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सभी के लिए सॉल्यूशन देना थोड़ा मुश्किल है। तो ये डिज़ाइन जो है बेसिकली हमारे सामाजिक जो भी नीड्स हैं उस पे, मूल्यों पे ये बेस्ड है। अब इसकी सेकंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। सत्पाठ्यचर्या की दूसरी विशिष्ट विशेषता यह होती है कि इसकी संरचना व्यापक सामाजिक समस्याओं अथवा सामाजिक जीवन के प्रसंगों के से तय की जाती है। सत्पाठ्यचर्या में संस्कृति के बुनियादी तत्व, जिनमें समाज के सभी सदस्य साझा होते हैं या जुड़ते हैं, उनका सरलीकरण एवं संशोधन है। और ये तत्व कौन कौन से हैं? मानक नियम, वर्णनात्मक सिद्धांत, तथ्य, चिंता की विधियाँ, दृष्टिकोण इत्यादि। सत्पाठ्यचर्या में उनका संगठन सामाजिक गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र पर आधारित सामाजिक वर्गों में किया जाता है। द सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर करिकुलम इज दैट इट्स स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द वाइडर सोशल प्रॉब्लम्स और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल लाइफ। बेसिकली जो ये डिज़ाइन है, अभी हमने देखा कि वो सोशल प्रॉब्लम्स पे और मूल्यों पर ही निर्धारित है या आधारित है। सो यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि जो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी बात करते हैं उसी को यहाँ पे, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसी पे डिपेंड है। इन द कोर करिकुलम द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारी संस्कृति के, कल्चर के, जहाँ पे इन विच ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी आर शेयर्ड, जहाँ पे सभी लोग मिलके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो उस चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाइड और मॉडिफाइड करते हैं, उस चीज़ को सरलीकरण और संशोधन करते हैं। दीज बेसिक एलिमेंट्स आर, ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला है स्टैंडर्ड रूल्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स, थर्ड है फैक्टर्स एंड मेथड्स ऑफ थिंकिंग, फोर्थ है एटीट्यूड। इसी तरीके से और भी कई सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन द कोर करिकुलम दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोशल क्लासेस बेस्ड ऑन द मेन एरिया और सोशल एक्टिविटी। मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी सोशल एक्टिविटी है उस पे बेस्ड है हमारी सोशल क्लासेस। जितनी तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, उतने ही तरीके के हम क्या करेंगे, जो सोशल क्लासेस हैं उनको डिवाइड करेंगे, उतने ही सामाजिक वर्गों में हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अभी तक हमने देखा था स्पेसिफिक, और अब हम देख रहे हैं इसेंशियल, दैट इज आवश्यक विशेषताएं। सबसे पहली है सत्पाठ्यचर्या सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। सत्पाठ्यचर्या समान अधिगमों से बनी होती है। इन अधिगमों के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह समाज के सभी सदस्य, चाहे उनकी योग्यता, सामाजिक स्तर अथवा व्यवसाय की योजनाएं कुछ भी हों, के लिए आवश्यक होती है। मतलब बेसिकली ये हर एक के लिए जो है आवश्यक है ये कोर करिकुलम, भले ही उसकी योग्यता कुछ भी हो, सामाजिक स्तर कैसा भी हो, व्यवसाय कोई भी हो, ठीक है। इसके द्वारा सभी युवकों का समान सामाजिक उन्मुखीकरण किया जाता है। जो ओरिएंटेशन होता है वो सभी लोगों का एक साथ किया जाएगा। कोर करिकुलम इज नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कोर करिकुलम इज मेड अप ऑफ कॉमन लर्निंग, ठीक है। दीज लर्निंग आर बिलीव्ड टू बी इसेंशियल फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो कॉमन लर्निंग हम
कोर करिकुलम में देंगे तो वो इस टाइप की लर्निंग होगी कि वो सोसाइटी के हर एक सदस्य के लिए, हर एक वर्ग के लिए होगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। भले ही उनकी एबिलिटी क्या रही है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका ऑक्यूपेशनल प्लान्स क्या हैं, ठीक है। बाय दीज ऑल द यूथ आर गिवन इक्वल सोशल ओरिएंटेशन। हम इन सबको एक समान मानते हुए सबको एक जैसा ओरिएंटेशन देंगे। अब सेकंड जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, सत्पाठ्यचर्या की दूसरी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसकी गतिविधियों की योजना अध्यापक एवं छात्र मिलकर बनाते हैं, ठीक है। द सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोर करिकुलम इज दैट टीचर एंड द स्टूडेंट प्लान देयर एक्टिविटीज टुगेदर। विद्यार्थियों की समस्या की पहचान, चयन और परिभाषित करने के साथ ही साथ उनके समाधान के लिए गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक सहभागिता होनी चाहिए। देखिए, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर शुड बी मोर पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग द एक्टिविटीज टू सॉल्व देम। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है। इसके द्वारा विद्यार्थी समस्या समाधान के हर सोपान से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। अध्यापक ज्ञान के विशेषज्ञ एवं समूह के नेता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट बाय दिस द स्टूडेंट्स बिकम वेल एक्वेंटेड with each step of problem solving. Teachers play their role as an expert, knowledge and a leader of group. देखिए, यहाँ पे जो students हैं, क्योंकि student और teacher मिलकर planning कर रहे हैं, तो जो student हैं उनको भी जो steps हैं वो clearly पता चल जाएंगे कि हाँ इसके बाद ये करना है, ये करना है, तो उनको और clear हो जाएगा जो भी problem solving में जब वो involve होंगे। और दूसरा, यहाँ पे टीचर जो है वो एज अ एक्सपर्ट तो है ही, साथ में वो एज अ लीडर, उस ग्रुप का लीडर भी होगा और उसी तरीके की उसकी जो भूमिका होगी वो होगी। देन थर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट सत्पाठ्यचर्या की तीसरी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें विशिष्ट आवश्यकता एवं विधियों के लिए प्रावधान होते हैं। सत्पाठ्यचर्या अधिक लचीली होती है। द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रू और कोर करिकुलम इज दैट इट हैज़ प्रोविजन्स फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड मेथड्स। कोर करिकुलम इज मोर फ्लेक्सिबल। क्योंकि हम ओवरऑल अगर बात करें तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले तो सोशल वैल्यूज़ पे, सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे बेस्ड है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी प्लान्ड हो रही है उसमें टीचर और स्टूडेंट मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा कैसी है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है कंटेंट को, एक्टिविटीज़ को जो है डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशन, जो हम कहें जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं और मेथड हैं, ये सब मिलके यहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे, टीचर और स्टूडेंट, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कोर करिकुलम जो डिज़ाइन है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स।